हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेरे गार्डन में इस विंटर के सीज़न में कौन कौन से फ्लावर्स खिल रहे हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं ये बहुत ही सुंदर कलरफुल फ्लावर्स क्रिसैंथेमम से। इन्हें क्रिसैंथेमम भी कहते हैं, गुलदावती भी कहते हैं, शेवंती भी कहते हैं और कई नाम होते हैं इनके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कलरफुल कलेक्शन है मेरे पास। तो ये मैं एक दो सालों से कलेक्ट कर रही थी और इनमें से जो प्लांट है मैक्सिमम लास्ट ईयर के ही सब कटिंग्स हैं। ये जो प्लांट है एक्चुअली तो पेरिनियल प्लांट है, मतलब साल भर आपके पास रहता है, लेकिन इनमें फ्लावरिंग है वो सिर्फ विंटर्स में आते हैं। तो इनको आपको प्रिपेयर करना होता है, बरसात के मौसम में इनकी कटिंग लगाई जाती है। 3-4 इंच की कटिंग आप बरसात में लगाइए, या तो नॉर्मल जो अपन गार्डन जो पॉटी मिक्स लेते हैं उसमें लगा सकते हैं, या फिर आप इनको रेत में भी लगा सकते हैं इनकी कटिंग। और जब एक बार जब कटिंग बन जाए, मतलब उनमें जब रूट्स आ जाएं, तो उनको आप पॉट में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और उनको पिंचिंग करनी होती है, मतलब टिप पोर्शन को आप पिंच करते रहिए, नीचे 3 या 4 पत्तियाँ छोड़ के, तो ये काफ़ी बुशी बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक ग्रो बैग या जो पॉली बैग होते हैं आपको बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे, जहाँ पे फर्टिलाइज़र वगैरह मिलता है या गार्डनिंग टूल्स। तो इस तरह के बैग में मैंने सारे जो कटिंग्स हैं वो लगाए हैं। तो देखिए छोटे से बैग में इतने सारे फ्लावर्स आप ले सकते हैं। अगर इनकी आप अच्छे से अगर केयर करें तो आपको 1000 फ्लावर भी मिलते हैं एक पॉट में, लेकिन उसका एक प्रोसीजर भी होता है। उसको टाइम टू टाइम आपको बड़े पॉट में शिफ्ट करना होता है और उसमें थोड़ा सा आपको केयर करनी पड़ती है। और ये ऐसे ही आप रैंडमली, मैंने काफ़ी लेट से कटिंग लगाया था तो उस हिसाब से भी मुझे काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग मिल गई है छोटे से पॉट में। तो ये देखिए ये प्लास्टिक पॉट में लगा हुआ है छोटे से, ये 20 रुपीज़ का पॉट है, तो छोटे छोटे पॉट्स में मैंने लगाया है। बिल्कुल फ्री के ये फ्लावर्स हैं, मतलब इसमें मैंने, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आप एक बार इनको ख़रीदिए और ज़्यादा महंगा नहीं रहता। अगर इसके छोटे पौधे आप ख़रीदेंगे तो 5 रुपीज़ में आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और अगर आप रेडी प्लांट ख़रीदते हैं तो इस कंडीशन में ख़रीदिए जब इनमें फ्लावरिंग जो है वो जस्ट स्टार्ट होती है, क्योंकि ये जो फ्लावर हैं वो 1 महीने तक रहते हैं फिर ख़त्म हो जाते हैं, फिर इनमें नेक्स्ट फ्लावरिंग के लिए आपको साल भर वेट करना पड़ता है। इधर आप देख सकते हैं कि ऑक्सैलिस का प्लांट है मेरे पास, पर्पल हार्ट का है, ड्रेसिना की वैरायटी है, और इस रो में कुछ रोजेस, और यहाँ पे है एक रेड गुड़हल जो कि हाइब्रिड है, काफ़ी बड़ा इसका फ्लावर आता है। इस रो पे मैंने सारे गुलाब रखे हैं ताकि यहाँ पे खुशबू आ सके। ये जो गुलाब है वो सब देसी वैरायटी है, और हाइब्रिड वाले जितने इंग्लिश रोज़ हैं वो मैंने अलग से रखे हुए हैं। थोड़ा कलरफुल लुक देने के लिए कोलियस और पॉइंसेटिया का कॉम्बिनेशन, और ये है वर्बीना, ये देसी टाइप के वर्बीना है। तो फ्रेंड्स देखिए ये पर्पल और पिंक कलर में है, काफ़ी बढ़िया इनकी ग्रोथ हो रही है। और सभी प्लांट मैंने आप देखिए छोटे छोटे पॉट्स में ही लगाया है। नेक्स्ट है ये जरबेरा, देखिए ये हाइब्रिड जरबेरा है, बहुत ही सुंदर है, इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं। और मेरे पास देसी भी है, लेकिन ये जो हाइब्रिड है उनका कुछ अलग ही लुक है, और फ्लावरिंग की जो क्वांटिटी और कैपेसिटी आप देखिए, और इनमें कंटिन्यू बर्ड्स आ ही रहे हैं। और पॉट्स भी देखिए काफ़ी छोटा पॉट है, ये मुझे 100 रुपीज़ का पड़ा था एक प्लांट। तो ये रेट ऐसे ही आते हैं, 100+ में आते हैं। तो फ्रेंड्स मैं देखूंगी कि साल भर ये कैसे चलते हैं हमारे घर, और अगर ये अच्छे से चल गया हर मौसम में तो फिर मैं कोशिश करूंगी कि इनके और भी कलेक्शन में रख पाऊँ। इस साइड में है डायंथस, और ये आप देख रहे हैं पेंटास, ये सभी मैंने कटिंग से ग्रो किए हुए हैं। लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें पेंटास के ऊपर बताया था, तो वही मदर प्लांट, वो तो ख़राब हो गया, पर उनके कटिंग से मैंने काफ़ी सारे प्लांट अभी बना लिए हैं। तो ये भी समझिए अभी फ्री के ही प्लांट मेरे पास तैयार हो गए हैं। ये सभी मिनिएचर या ड्वार्फ डहलियाँ बोल सकते हैं, तो ऑरेंज, रेड और येलो, पिंक, इस तरीके से 3-4 कलर के मिनिएचर डहलियाँ हैं मेरे पास। यहाँ पे है गजानिया, गजानिया सिर्फ धूप में खिलते हैं, अगर छाए जगह पे रखेंगे इनके फ्लावर खुलेंगे नहीं। इसके बाद है कैलेंड्यूला, ये भी बहुत बढ़िया से ब्लूमिंग कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो मैरीगोल्ड है वो बहुत बढ़िया से ब्लूमिंग कर रहे हैं।
फ्रेंड्स देखिए मैरीगोल्ड भी मैंने छोटे छोटे पॉट्स में लगाया है। पहले मैं थोड़े बड़े पॉट में उनको लगाती थी, पर छोटे पॉट में भी रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है। फ्लावर के साइज़ वगैरह सब बहुत बढ़िया है। देखिए ये है गिलाडिया, और स्टैंड में भी मैंने देखिए कुछ पिटूनिया लगा के रखे हैं, और भी पिटूनिया अभी रेडी हो रहे हैं, अभी उनमें ब्लूमिंग नहीं हुई है। जैसे जैसे ब्लूमिंग होगी मैं अपडेट दूंगी। और छोटे छोटे पॉट्स में देखिए प्लास्टिक के बहुत सारे, बहुत बढ़िया इनकी ब्लूमिंग हो रही है। और डहलिया है मेरे पास दो तीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिनेरेरिया है, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था इसका सीड, पर इनका जो जर्मिनेशन रेट है वो काफ़ी अच्छा नहीं था, तो सिर्फ तीन प्लांट ही उगे हैं और 8 या 10 सीड्स थे, लगभग 100 रुपीज़ मुझे पड़े थे ये 10 सीड्स के। और बाकी इधर है गजानिया और जिरेनियम, ये सभी अभी छोटे हैं, अभी में फ्लावर नहीं आए हैं, जैसे जैसे फूल आएंगे तो मैं अपडेट करते जाऊंगी। तो फ्रेंड इस तरीके से कुछ लुक है मेरे गार्डन का, तो होप करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और कोई भी क्वेरीज है सीजनल प्लांट को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।